दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा उर्मिला गार्डन चैनल से रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लीफी वेजिटेबल लगाऊंगी, अब ठंड का टाइम आ रहा है, बारिश भी अब खत्म हो रही है। तो दोस्तों आइए, हम ऐसी 10 लीफी वेजिटेबल का नाम बताऊंगी और आपको उगा कर बताऊंगी, जिसको हम पूरी ठंड खाएंगे, स्वाद और सेहत से भरपूर रहता है। तो आइए हम लगाते हैं लीफी वेजिटेबल, आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों आज मैं लगाऊंगी लीफी वेजिटेबल। मेरे पास कुछ नए बीज हैं और कुछ पुराने बीज भी हैं। ओहो, ये तो फट गया, चलो उठा लेंगे। तो लीफी वेजिटेबल में हमें बहुत सारी लीफी वेजिटेबल लगानी है दोस्तों। मेथी, धनिया, धनिया दो तरह की है, लाल भाजी, पालक और भी जो मैं लगाऊंगी आपको बताते जाऊंगी। तो इस तरह से हमारा है पिटारा, जिसमें नए पुराने बीजों का संग्रह रहता है, सीजन में निकलता है। जैसे ये है चौलाई। तो लीफी वेजिटेबल में यही सब आते हैं, पालक, ये है एक जरी भाजी, खेड़ा बोलते हैं इसको। बहुत सारे ऐसे नए पुराने, एक ये बहुत अच्छा होता है दोस्तों, इसको नारी भाजी बोलते हैं, कलमी साग, नारी भाजी, करमुआ, करमता, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से लोग इसका नाम लेते हैं। ये है खट्टी वाली भाजी, इसको यहाँ हमारी भाजी बोलते हैं। तो इसी तरह से मैं और भी बहुत सारे बीज जब लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम शुरुआत करते हैं धनिया से। तो दोस्तों धनिया आपको कम से कम 40 दिन में हार्वेस्ट करने को मिलेगा, क्योंकि इसका अंकुरण थोड़ा लेट होता है, लेकिन एक बार आप लगा देंगे तो आपको बहुत दिन तक ये मिलते रहेगा। इसको बस जड़ से नहीं उखाड़ना है, इसकी पत्तियों को आप तोड़िए और खाते रहिए। ये सेहत के लिए भी अच्छी होती है और घर में अगर हरा हरा धनिया मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो दोस्तों इसको हम लगाने के लिए क्या करेंगे कि इसके बीजों को हम जमीन में ऐसे गिराएंगे। एक हाथ से तो बनता नहीं है। और इसके बाद बहुत ही हल्के हाथों से, इसको पीसना नहीं है, बस ये दो टुकड़े हो जाए, इसको दरदरा करना, दरदरा भी नहीं, मतलब ये देखिए इस तरह से ये सहीघा रहता है और हमको इसके दो टुकड़े करने हैं इस तरह से। तो दो टुकड़े करने से दो पौधे बनेंगे और जल्दी उगते हैं। तो दोस्तों धनिया बहुत आसानी से उग जाता है, उतना आसानी से भी नहीं उगता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको आप ऐसे दरदरा कर लीजिए। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, हल्के हाथों से करना, पीसना नहीं है इसको। देखिए दो टुकड़ा हो गया ना, अब इसको उठा लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हमने एक कंटेनर पहले से भरा हुआ था। ये देखिए इस तरह से हम इसमें बिखेर देंगे सारे बीजों को। हमारी मिट्टी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, इसको टाइम मिल गया। तो इस तरह से हम सारे बीजों को बिखेर देंगे, थोड़ा घना ही बिखेरेंगे, क्योंकि आपको पता है 100% जर्मिनेशन नहीं होता है किसी चीज़ का। और कुछ फिर बढ़ते निकलते फिर इधर उधर, बहुत पौधे फिर थोड़े ख़राब भी होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े, ऑर्गेनिक में तो यही होता है। ये देखिए ऐसे हमने इसको बिखेर दिया। अब हम हल्के हाथों से इसको कोड़ देंगे। इस तरह से इसको हम कोड़ देंगे, हमारी जो हमारे बीज जो है वो ढक जाने चाहिए। थोड़े बहुत ऊपर भी रहेंगे तो चलेगा, पानी वानी पड़ेगा तो ढक जाएंगे। इस तरह से देखिए हमारे बीज जो है ढक जाने चाहिए। आने वाले 40 दिनों में आपको, और फिर आप पूरे ठंड खाइए, वो ख़राब नहीं होता है, आपको मिलते रहेगा धनिया। तो दोस्तों इसके लिए अच्छी धूप चाहिए, इसको अच्छा पानी भी चाहिए, लेकिन वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम गमले में लगाए हैं इसलिए इसमें, और पत्तियों के लिए लगाए हैं, तो इसमें दिन में एक बार कम से कम किसी टाइम भी आप पानी दीजिए।
अभी ज़्यादा पानी मत दीजिएगा क्योंकि अभी गीला है। और जो हम बीज के लिए, जो हम धनिया के लिए लगाते हैं ना, वो धनिया खेतों में जो लगती है वो 3-4 पानी में तैयार हो जाती है। दोस्तों अब हम उगाएंगे मेथी। मेथी आजकल तो आने लगी है, नहीं तो पहले सिर्फ ठंड में ही मेथी मिलती थी। ये है मेथी, नॉर्मल मेथी भी आप अपने किचन से उगा सकते हैं। इसको मैंने मार्केट से लिया है, तो ये मेथी जल्दी तैयार हो जाती है। दोस्तों आपको 2-3 दिन में इसमें अंकुरण दिखने लगेगा, तो वही प्रक्रिया इसमें भी है। आप दाने को ऐसे बिखेरिए, देखिए इस तरह से, मेथी की भाजी, मेथी का पराठा, पूरी पराठा, किसी में भी मेथी को खाइए, छौंक में डालिए, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। थोड़ी गर्म होती है ये, तो ठंड के दिनों में सेहत के लिए भी अच्छी होती है और स्वाद तो कई है। तो मेथी मैं कई कंटेनर में लगाऊंगी, जैसे इसमें लग गया अभी और लगाऊंगी मैं मेथी, क्योंकि मेथी ज़्यादा लगती है। मैं हर लीफी वेजिटेबल 2-2, 3-3 कंटेनर लगाऊंगी। तो ये हो गया दोस्तों मेथी, ये आपको 2-3 दिन में दिखने लगेगी और करीब 1 महीने में आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसका भी वही है कि उखाड़िएगा मत, तोड़िए, ऊपर के जो फोक है उनको तोड़िए, मैं बताऊंगी जब होगी। तो ये बार बार निकलती रहेगी और आप तोड़ते रहेंगे। ये देखिए ये हो गया मेथी। तो दोस्तों अब हम उगाएंगे पालक। ये है पालक। पालक भी बहुत ही पौष्टिक लीफी वेजिटेबल होता है, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसको खून की कमी हो उसको खिलाया जाता है। तो हम लगाएंगे पालक। पालक आपको 40 दिन में हार्वेस्ट करने को मिल जाता है और बहुत आसानी से तैयार होता है। एक बात आपको बताना तो मैं भूल गई दोस्तों, तो बात यह है कि लीफी वेजिटेबल, जितनी जो भी लीफी वेजिटेबल है, इनकी मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें खाद कम से कम 50% होना चाहिए, तब आपके अच्छे पत्ते चमकदार तैयार होंगे। तो मिट्टी में ध्यान दीजिए, मिट्टी बनाने में मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। अब इसको हमने इस तरह से बिखेर दिया, अब हम भी इसको भी इस तरह से थोड़ा सा कोड़ देंगे। मिट्टी हमने पहले ही तैयार कर लिया था, जैसे कि आपने देखा था, ऐसे कर दीजिए तो सब एक दूसरे में मिक्स हो के। इसमें मकसद यह है कि हमारे दाने जो हैं ढक जाने चाहिए, मिट्टी हमारी हल्की होनी चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो इसमें और इसको भी पानी खूब चाहिए, खूब पानी चाहिए, खूब धूप चाहिए पालक को भी। दोस्तों अब हम उगाएंगे लाल भाजी। ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है, खून को बढ़ाती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये भी लगभग 40 दिन में हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, लगाने के 40 दिन बाद इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम लगाएंगे लाल भाजी। इसको भी बहुत खाद चाहिए, मतलब 50% मिट्टी में इसके कंपोस्ट होनी चाहिए, आप जो भी कंपोस्ट मिलाएं। तो दोस्तों ये है लाल भाजी, बहुत ही सुंदर, चिकने चिकने छोटे छोटे दाने होते हैं इसके। तो इसको भी बहुत अच्छी खाद चाहिए, इसको भी हम ऐसे बिखेरेंगे। थोड़े ज़्यादा दाने निकल गए हाथ में मेरे, क्योंकि ये बहुत महीन होता है, तो दाने उतने ही बोएं, बहुत ज़्यादा घना ना हो। ये बहुत हो गया, इसको मैं रख दूँ, इसके बाद फिर आगे का बताती हूँ। इसमें भी वही करना है कि इनको हमको ऐसे चला देना है इस तरह से। देखिए इसको भी पानी चाहिए, लेकिन वही है कि पानी किसी में रुकना नहीं चाहिए। ये देखिए ये भी 40 दिन में हमको हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा, बहुत जल्दी तैयार होता है। पालक, मेथी, लाल भाजी, ये सब बहुत जल्दी तैयार होते हैं, धनिया में थोड़ा सा टाइम लगता है। दोस्तों अब हम उगाएंगे चना भाजी। तो दोस्तों ये हमारे घर का चना है, इसलिए फूटा फाटा मत देखिएगा, थ्रेसर से मिंजाई होती है तो फूट जाता है कभी कभी, देसी चना है। तो दोस्तों चना के लिए थोड़ा फास्ट तो है, लेकिन ठीक है, ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या जाता है।
क्योंकि बारिश हो रही है ना, बारिश हाँ अभी ख़त्म ही हो रही है तो हो जाएगा। तो दोस्तों हम उगाएंगे चना। चना भाजी खाने में बहुत अच्छी लगती है और हम इसको सिर्फ भाजी के लिए लगा रहे हैं। हमें बहुत पसंद है चना भाजी और मार्केट में बहुत बेकार मिलती है, मिलती नहीं है, मिलती है तो बहुत ही बेकार रहती है। तो इसको हम ऐसे बिखेर देंगे दोस्तों, थोड़ा घना ही बिखेरेंगे क्योंकि हमको ये बीज के लिए नहीं चाहिए, हमको ये भाजी के लिए चाहिए। इसको भी वही 40 दिन लगभग लग जाएगा तैयार होने में। तो इसको भी हमको इसको थोड़ा ढक देना है ऐसे करके, ताकि हमारे बीज जो है ढक जाएं। जब ढकेंगे तभी ये अंकुरित होंगे। दोस्तों अच्छा हुआ हमने मिट्टी बना ली थी इसके पहले। जो ये वीडियो भी है आप देख रहे हैं, इसके पहले हमने मिट्टी पे ही वीडियो बनाया है। सारे कंटेनर हमने भरे हैं तो आप उसको ज़रूर देखना। इस तरह से इसको हम ढक देंगे। ये हमारा चना लग गया। खाद इसमें भी चाहिए। ये देखिए ये 3-4 दिन में अंकुरित हो जाएगा और करीब 25 दिन में तोड़ने लायक हो जाता है ये। इसको भी हम जड़ से नहीं उखाड़ेंगे, सिर्फ इसका फोक तोड़ेंगे। इसमें उगाएंगे हम दोस्तों तिवरा। ये भी ठेसर का मिज़ा हुआ है। तिवरा भी एक तरह की भाजी होती है, इसकी दाल भी बनती है और इसकी भाजी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो दोस्तों मैं इसको भाजी के लिए उगा रही हूँ, ना कि दाल के लिए। दाल के लिए हमारे खेतों में उगता है। अब चूँकि हम शहर में रहते हैं इसलिए गमले में गोभी उगा रहे हैं। तो ये भी दोस्तों एक बार लगा लीजिए, ये भी तोड़ते रहिए, ख़त्म नहीं होता। इसी तरह से चने का भी है कि जितना तोड़ेंगे उतना फूक निकलेगा उसमें और वो और सॉफ्ट होते जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा घना ही लगाएंगे क्योंकि जर्मिनेशन हर उसका 100% नहीं होता है। इसमें से बहुत सारे दाने जो है उगते नहीं, कुछ सड़ जाते हैं, कुछ चिड़िया पंछी खा लेते हैं। तो हम थोड़ा सा घना ही लगाएंगे और ऐसे इसको कर देंगे तो ये मिट्टी में ढक जाएगा। ये हो गया दोस्तों, ये देखिए थोड़े बहुत दाने ऊपर हैं, वो पानी डालेंगे तो चले जाएंगे अंदर। अब हम उगाएंगे दोस्तों लहसुन। ठंड में बहुत अच्छी लगती है, इसकी चटनी बनाइए या इसकी पत्तियों को सैलड में डालिए, सब्जी में डालिए, कैसे भी खाइए। तो हमको करना क्या है कि स्वस्थ जो पोथी रहे लहसुन की उसको ऐसे अलग अलग कर लेना है और सारे बीजों को देखिएगा ना ध्यान से इस तरह से मिट्टी में बस इतना है हमको दबा देना है वो ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे, क्योंकि इसकी लहसुन के लिए हम इसको नहीं उगा रहे दोस्तों, हम इसको पत्तों के लिए उगा रहे हैं, हमको इसके पत्ते चाहिए। तो इसलिए हम इसको पास पास उगाएंगे, ज़्यादा लगाएंगे ज़्यादा पत्ते मिलेंगे। तो इस तरह से इसको हम लगाएंगे। तो इसमें लगेगा टाइम, तो मैं पहले इसको लगा लेती हूँ पूरा, इसके बाद आपको बताती हूँ। तो ये हो गया हमारा दोस्तों। इसको इसको नीचे रखना है और ऐसे करके इसको गाड़ देना है। तो दोस्तों इसको भी उखाड़ना नहीं है, इसके पत्तों को हार्वेस्ट करना है, इसको बहुत नीचे भी हमको नहीं डालना है, बस ऐसे कर देंगे और ये अंकुरित होगा। ये भी हमको 30 दिनों में इसकी पत्तियां हमको आराम से हार्वेस्ट के लिए मिल जाएंगी। तो इनकी सिर्फ पत्तियों को हार्वेस्ट करना है, ना कि इनको उखाड़ना है। देखिए बस थोड़ा थोड़ा ये हो गया हमारा। दोस्तों अब हम उगाएंगे जरी भाजी। स्वाद सेहत सब में बहुत अच्छी। ये देखिए इसके जड़ से लेके तना और पत्ते सब कुछ खाया जाता है। तो ये भी लीफी वेजिटेबल में ही आता है। तो और इसके दाने जो हैं वो लाल भाजी जैसे होते हैं, चौलाई जैसे होते हैं। तो इसको निकाल कर फिर मैं इसमें उगाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से होती है, इसके दाने होते हैं लाल भाजी जैसे ही होते हैं, खूब महीन महीन। तो इसको बहुत ज़्यादा घना नहीं लगाना क्योंकि इसके मोटे मोटे तने होंगे, बहुत मोटे नहीं लेकिन फिर भी मतलब कि मुनगा जैसे होते हैं। तो बहुत घना लगाने से फिर ये पतले होते हैं, थोड़ा लगाना ही पड़ता है क्योंकि पूरा जर्मिनेशन सब नहीं होता। तो अब इसको फिर हम ऐसे चला देंगे
दोस्तों अच्छा हुआ मैं इतना सारा लगा पा रही हूँ, उगा पा रही हूँ, क्योंकि मैंने मिट्टी पहले से ही तैयार करके रख ली थी। आज मैं बहुत सारा वेजिटेबल ठंड वाला उगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है, तो आज मैं कोशिश करूँगी कि कुछ हद तक निपटा दूँ। तो ये हो गया, बस इसको भी पानी चाहिए, धूप चाहिए, और ये भी करीब 40 दिन में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। ये है दोस्तों चौलाई भाजी, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कि बहुत पौष्टिक होती है, बीमार को बोलते हैं खाने के लिए। तो अब हम इसको लगाएंगे, इसके दाने भी लाल भाजी जैसे ही होते हैं, इसको मुझे निकालना पड़ेगा हाथ में। ये देखिए इसके दाने को, लाल भाजी, चौलाई और जरी भाजी एक जैसे दाने, तो इसको भी हम ऐसे बिखेरेंगे। ये देखिए और फिर ऐसे इसको भी कोड़ी से कोड़ा मार देंगे तो दाने जो हैं अंदर चले जाएंगे। आप हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों, जिसमें हमने मिट्टी बनाना बताया है। इसी तरह से आप भी तैयार करके मिट्टी रख सकते हैं और जब मर्जी हो अपने पौधों को बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन पौधा लगाना और मिट्टी तैयार करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये हो गया, ये भी हमको 30 दिन में हार्वेस्ट करने को मिल जाएगा। ये है दोस्तों करमुआ, करमता, नारी भाजी, बहुत सारे नामों से जानी जाती है। खाने में बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, बोलते हैं कि इसको साल में तो एक बार खाना ही चाहिए। तो दोस्तों ये हमने पालक भी लगाया हुआ है, ये हो रहा है, बीच में गल गया था तो इसमें हमने और डाल दिया है, तो ये बराबर निकल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैं इसके बारे में बात कर रही थी, ये भी लीफी वेजिटेबल है, तो आप देखिए हमने इसको लगाया हुआ है। एक बार आप इसको लगाइए, भूल जाइए, बार बार तोड़ते रहिए, खाते रहिए, तोड़ते रहिए, खाते रहिए, पानी डालते रहिए। दोस्तों ये भी भाजी जो है मिट्टी में भी पैदा होती है और पानी में भी पैदा होती है। इसको सिर्फ और सिर्फ पानी में भी लगाया जा सकता है और ये मिट्टी में भी बहुत अच्छे से ग्रो करती है। ये छोटे से लकड़ी के कंटेनर में हमने इसको लगाया हुआ है और इसको हम बार बार तोड़ते हैं और ये हमें भाजी देती है, इसलिए हमने इसको सिर्फ दिखाया है। इसको हम उगाएंगे नहीं, क्योंकि हम एक कंटेनर का ही नहीं खा पा रहे हैं। दोस्तों एक लीफी वेजिटेबल है पोई, जो जिसको बोलते हैं खून बनाने की मशीन। इसको एक बार आप लगाएंगे, इसको बार बार खाते रहिए, इसके पत्ते और डंठल को तोड़ते रहिए और ये होती रहेगी। तो दोस्तों मेरे पास दो तरह की पोई है, एक है ये एकदम ग्रीन है और थोड़े पतले पत्ते हैं इसके, और एक और मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसको भी दोस्तों ज़रूर लगाइए एक बार। आप ये बीजों से भी लगता है, कलम से भी लगता है, जड़ से भी लगता है, बहुत आसान पौधा है। हाँ, इसको खाद बहुत अच्छी चाहिए रहती है। तो दोस्तों एक तरह की ये पोई है जिसके मोटे डंठल हैं, दिख रहे हैं आप, और फिर मैं अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए इसके पत्ते भी थोड़े लाल हैं और इसके डंठल भी थोड़े मोटे हैं। तो मैंने दो तरह की पोई लगाई हुई है, मुझे जब जो ज़रूरत होता है मैं उसको तोड़ लेती हूँ, कभी कभी मिक्स करके भी तोड़ती हूँ। तो कितने तरह की हमने बताई आपको लीफी वेजिटेबल, और दोस्तों एक लीफी वेजिटेबल रह गया है, क्योंकि मेरे पास अभी उसका अवेलेबल नहीं है वो, इसलिए मैं अभी आपको दिखा नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं दिखाऊंगी। तो दोस्तों इस साल हमने बनाए स्टैंड, तो उसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गए सारे पौधे, हमको स्टैंड में रखने के लिए पौधों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकना पड़ा। तो अब हम लगाएंगे भिंडी, तो इसमें दो तरीका है। तो दोस्तों दो तरीका है, ये है भिंडी के दाने, आप ऐसे करके एक एक हाथ से डालिए या तो ऐसे ऐसे गिरा दीजिए, क्योंकि मेरे को उतना टाइम दोस्तों है नहीं। पानी खुल चुका है नीचे, गाय खड़ी है नीचे, गाय को पानी वगैरह देना है, बछिया भी खड़ी है, तो मेरे को उतना टाइम है नहीं, इसलिए मैं इस तरह से इसको बिखेर दूंगी। जो हमें ज़्यादा लगेंगे उसको हम कहीं और लगा देंगे और जो स्वस्थ पौधे रहेंगे उसको हम रखेंगे। तो ये हो गया दोस्तों, अब इसको हम ऐसे कर देंगे। इसमें असल में होता क्या है कि हमारे दाने ढके रहने चाहिए, बाकी आप किस तरीका से बो रहे हैं वो मायने नहीं रखता, वो उगना ही है। जब बीज धरती पे पड़ेगा तो वो उगेगा ही, मायने रखता है आप किस तरह से इसको लगाते हैं, किस तरह से पानी देते हैं और किस तरह से ढकते हैं। तो और
दोस्तों जरूरी ये भी नहीं है कि अच्छा वक्ता होना चाहिए, जरूरी ये है कि आपका काम बोलना चाहिए। तो आई थिंक मेरा काम बोलता है, ऐसे मैं भी थोड़ी बकर बकर करती हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं, फालतू की बातें पसंद नहीं है मुझे। तो ये हो गया हमारा, बड़ी आसानी से हो गया। अब हमें भागना पड़ेगा नीचे, अभी बहुत कुछ बाकी है लगाना, लेकिन अब क्या करें, इस तरह से बीज जो बच रहे हैं उनको रखूंगी। दोस्तों ये ग्रीन बीन्स है, इसको भी मैं लगाऊंगी। इस कंटेनर में हमने लगाया हुआ है सेमी, यहाँ से ये ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन इस साइड ये खाली है तो इस साइड में बीन्स लगा दूंगी। सेमी तो ऊपर चढ़ जाएगा, फिर ये खाली रहेगा नीचे, तो इधर ये होता रहेगा। देखिए निकालना, इसको भी मैं ऐसे थोड़ी दूर दूर में इसको लगाते हैं। ग्रीन बीन्स से दोस्तों ये बहुत अच्छा लगता है, किसी में भी आप इसको पकाइए, सोते करिए या राइस के साथ, किसी के साथ भी अच्छा लगता है। तो इसको भी ऐसे आपके दाने जो है नीचे मिट्टी में दब जाने चाहिए। देखिए ये नहीं दबा, ये देखिए, तो ये थोड़े से लगा रही हूँ मैं, ज़्यादा ज़्यादा एक बार बहुत हो गया था, फिर कोई खाया नहीं था। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप लगाइए। ये हो गया दोस्तों, हमारे घर के पीछे यानी हमारा जो पहले का किचन गार्डन था, अभी भी है बट यहाँ ज़्यादा थोड़ी भीड़ हो गई, पौधे बहुत लग गए, तो यहाँ ये लगा हुआ है मीठी नीम की पत्ती। अच्छे बड़े से बड़ा सा पेड़ है ये, अच्छा ब्रूसी भी है और पेड़, ये देखिए। लेकिन कई बार इधर आने का मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं ये यहीं से इसको ली हूँ, उगे हुए थे, और इसको लगाऊंगी छत पे। तो चलिए चलते हैं छत पे। तो दोस्तों हम छत पर आ गए पौधे लेकर। इसको थोड़ा सा बड़ा पॉट चाहिए होता है, तो मैं इसमें इसको लगाऊंगी जिसमें मिट्टी हमने पहले से भरी हुई है। तो दोस्तों इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी, थोड़ी मिट्टी और डालेंगे, लेकिन अभी अभी हम पानी डाल दे रहे हैं। खाने में बहुत अच्छा लगता है ये, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, सांभर में, दाल में, सब्जी में, तड़के में, चटनी में, और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग भी अपने गार्डन में इसको ज़रूर जगह दें। हमारे पास था इसलिए हमको छत पे लाने में थोड़ी देर हुई, बाकी हमारे पास था ये पहले से, नीचे है। इसी तरह से लेमन ग्रास बहुत अच्छा होता है, इसको भी अपने गार्डन में आप जगह दें, ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी पत्तियों का बहुत सारा इस्तेमाल होता है, इसकी जड़ का भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है, इसको भी आप करें, लगाएं। व्यवस्थित नहीं है गार्डन हमारा, थोड़ा सा भी हम और कोशिश करेंगे। ये हमने कल लगाया था इसको, अभी इसके लिए और बड़ा पॉट लेके आएंगे। हमने ये स्पाइडर प्लांट्स भी लगाया है, ये भी बहुत अच्छा लग गया है। तो बाकी देखिए हमारे फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं। तो इसी तरह से धीरे 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 दोस्तों, कुछ भी कोई चीज़ एक दिन में नहीं होती है, उसके लिए कोशिश करनी होती है, मेहनत करनी होती है, और एक एक चीज़ को जुटाना होता है। खासकर ये प्लांट बहुत मुश्किल है, लेकिन हो जाता है। दोस्तों मेरे पास ये जेट प्लांट भी बहुत है, बड़े वाले भी हैं और ये वाले छोटे, जो मतलब कि मैं बहुत सारी सीड इसमें आती है ना, सीड पॉट, उसमें उसको मैं उगाती रहती हूँ। लेकिन मेरे पास अरेबिकम नहीं है दोस्तों, किसी के पास अगर अरेबिकम हो तो या तो मुझे सीड दे दीजिए या तो एक पौधा छोटा सा दे दीजिए, बाकी फिर मैं इसको बना लूँगी, मुझे आता है बनाना। ये है हमारा जेट प्लांट जो बहुत सारा उग रहा है, इसको मैं टोपियारी बनाऊंगी, इसको बस तैयार कर रही हूँ अभी। आज कोशिश करूँगी कि मैं मिर्चियाँ तोड़ लूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पकी हुई हैं, पक के गिर जा रही हैं नीचे। मैं आपको नीचे दिखा रही हूँ, इस तरह से ये नीचे गिरी हुई हैं, देखिए दिख रही होंगी, और ये देखिए कितना गिरी हुई है, मतलब हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, देखिए। और हमारी अदरक भी दोस्तों बहुत अच्छी हुई है, देखिए फूल भी बहुत अच्छे खिलते हैं हमारे। और दोस्तों बहुत तेज़ धूप है, बस मैं ये लगाने आ गई थी उसको। चलिए बाद में मिलेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचे। एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करती हूं दोस्तों कि अगर आपके पास अरेबिकम है तो प्लीज़ मुझे दीजिए, सीड दीजिए या मुझे एक छोटा सा पौधा दे दीजिए।
ये स्नेक्स प्लांट लगाए हैं हमने 3 कंटेनर में। आज सुबह से बहुत काम किया दोस्तों, और कुछ कुछ किया बहुत काम, बाकी काम ही ख़त्म नहीं होता। दोस्तों हमें ये स्नेक प्लांट ठीक करना है, देखिए ना कैसे उग गया है, लेकिन हमारे पास प्लांटर नहीं है। ये 3-4 प्लांटर में आ जाएगा, तो अलग अलग इसको मुझे करना है, लेकिन अभी धूप बहुत तेज़ हो गई है तो अभी मैं नहीं करूँगी। ये बड़ा स्नेक प्लांट है और ये मेरे पास ये छोटा वाला है, तो ये इसमें कई वैरायटी होती है दोस्तों, लेकिन अभी हमारे पास यही है। जैसा कि अगर आप लोग जानते होंगे तो मुझे वेजिटेबल का ज़्यादा शौक़ है, लेकिन अब कुछ मैं इन पौधों को भी जगह दे रही हूँ। तो दोस्तों मेरे पास अडेनियम की देसी वैरायटी है, बहुत अच्छे फूल होते हैं इसके, और ये सीड पॉट देखिए ना कितना सुंदर और कितना बड़ा सीड पॉट आया है। इसी तरह से जब ये आते हैं ना, तो हम इस तरह से इन पौधों को हम तैयार कर लेते हैं, खुद ही तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये दोस्तों ये अपराजिता है, जिसको मैं एक अच्छी जगह पर लगाऊँगी किसी कंटेनर में। ये है जेट प्लांट, वो हमने टोपियारी बनाई थी। दोस्तों देखिए हमारे पास बहुत सारे, ये देखिए इसमें भी ये लगा हुआ है, सीड पॉट आया हुआ है, उस पर भी अभी हमने दिखाया नहीं, आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे ढेर सारे हैं जो मतलब हैं मेरे पास अडेनियम, और अच्छे अडेनियम है, खूबसूरत अडेनियम है। ये हमारा जेट प्लांट है, जिसको काटना छाँटना पड़ता है, अभी किया था लेकिन फिर तैयार हो गया छाँटने के लिए। ये वाइट है दोस्तों, वाइट खिलता है, ये भी देसी वैरायटी ही है, वाइट खिलता है। इसमें भी सीड पॉट आया हुआ है, देखिए ये भी बहुत सुंदर है दोस्तों। हाँ, हमको कटाई छटाई इनकी करनी है, प्रोनिंग करनी है, लेकिन सीड पॉट देख रहे हैं आप, ये निकला हुआ है और आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इसमें हमें ढेर सारे जो है अडेनियम के सीड्स मिलेंगे, और फिर हम ढेर सारे तैयार कर लेते हैं। इसलिए हमें ये वाला नहीं चाहिए, किसी से कोई देगा भी तो हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमको अरेबिकम चाहिए। दोस्तों देखिए इसमें भी आया हुआ है, ये देखिए भी आया, थोड़ा सा इसमें मिली बग लग गए थे तो मैं दवाई डाली हूँ, ठीक हो जाएगा। मेरे टेरिस गार्डन का खूबसूरत फूल हाइबिस्कस, हाइबिस्कस। दोस्तों आज मैं कुछ पौधे लेके आई हूँ, ये सो प्लांट हैं, और मुझे अडेनियम के सीड्स भी उगाने हैं। तो मेरे को आज थोड़ी व्यस्तता की वजह से शाम हो गई, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो कर सकूँ तो कर लूँ। तो दोस्तों ये है खाद, इसमें मिली हुई है, ये मेरी मिट्टी मैंने गमलों से निकाली है जो अभी मैंने तैयार किया है। ये थोड़ा सा इसमें हम मिलाएंगे फंगीसाइड, और इसमें मिलाएंगे हम थोड़ी सी ये रेत, कहाँ से उठ रही है, ये वजन होती है ना, इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन होना चाहिए, तो हम थोड़ी सी मिलाएंगे इसमें मोटी वाली रेत। तो दोस्तों ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई, इसमें सारी खादें मिली हुई है, राख से लेके कोयला से लेके नीम की पत्ती और आपका कंपोस्ट, किचन वेस्ट, लीप कंपोस्ट, और बकरी का जो लीथ से बनता है कंपोस्ट, वो सारा कुछ मिला हुआ है। ये मैंने अपने गमले से निकाला है जो कि मैंने भी तैयार किया है। तो इस मिट्टी को हम भरेंगे इस डब्बे में, ये डब्बा है थर्माकोल का। दोस्तों इस तरह के छोटे डब्बे जो है ना सीड्स उगाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इसको हम भरेंगे। तो इसको हमने दोस्तों मिट्टी से भर लिया, अब ये है हमारे अडेनियम के सीड्स, तो इनको हम इस तरह से बिछा देंगे, एक एक करके ऐसे करके पूरे में ऐसे हम इसको बिछा देंगे दानों को। तो दोस्तों होता क्या है कि पूरे सीड्स जो होते हैं ना, ये जर्मिनेट नहीं होते हैं, और अडेनियम के सीड्स को ना जैसे ही सीड्स निकले 1 हफ्ते 10 दिन में आप उसको इस तरह से अंकुरित होने के लिए, ये पौधा उसको लगाने के लिए आप इसको लगा दें। तो ये सारी सीड्स हमने ऐसे बिछा दिया, अब हम क्या करेंगे कि एक पतली सी लेयर, बहुत पतली नहीं, मतलब ये जितने अडेनियम की मोटाई है इससे डबल मिट्टी इसके ऊपर, ये जो मिक्सचर आपने बनाया है इसको इस तरह से आप ढक दीजिए पूरे अडेनियम को, वो बाहर ना दिखे।
तो इस तरह से इसको आप ऐसे पूरे ढक दीजिए। और दोस्तों इसको स्प्रे से पानी दीजिएगा, पाइप से पानी मत दीजिएगा, नहीं तो ये सीड्स आपके ऊपर आ जाएंगे और जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसको आप कोई छाया वाली जगह पे, मतलब आधी धूप आधी छाया वाली जगह पे आप रख दीजिए। जब आपके अंकुरण दिखने लगेंगे तब अब एक दिन दो दिन में इसमें पानी आप डालते रहिए स्प्रे से, दिन भर में एक बार डाल दीजिए, और इसके बाद जब जर्मिनेट हो जाए तब आप इसको धूप में रखिए। तो दोस्तों इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी, इसको मैंने इस गमले में अभी लगा दिया है क्योंकि मेरे पास अभी पॉट नहीं है उतने, तो मेरे को लाने पड़ेंगे। तो इसको मैंने अभी, देखिए एक गमले के लिए और बचा है, तो इसको मैंने इसमें लगा दिया, ये देखिए, और इसमें मिट्टी भर देना है। तो दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ वाटर लिली के पौधे, ये देखिए इसमें, और मैं इस टब में अभी इसको फिलहाल लगाऊंगी क्योंकि ना तो मेरे पास अभी टाइम है और ना ही इस तरह के टब हैं बड़े। तो इसमें कई पौधे हैं जिनको मैं अभी इनको सुरक्षित करने के लिए इसमें लगाऊंगी, और इसके बाद फिर मैं बड़े लेके आऊंगी जब पॉट, तो फिर उसमें मैं इसको लगाऊंगी। तो ये जो मिट्टी हमने इसमें भरी है, इसमें टोटल खाद, बर्मी कंपोस्ट और गार्डन सोयल, ये सारा कुछ इसमें मिला हुआ है जो कि मैंने अपने इन जो हमारे है ना ये कंटेनर, इनको सबको मैं इससे भरी हूँ, तो उसी को मैं इसको ले रही हूँ क्योंकि अलग से बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं नीचे इसी मिट्टी को मैंने कर दिया है, अब इनको सारे जितने भी हैं, इसमें बहुत सारे पौधे हैं, मैं इनको सिर्फ सुरक्षित कर रही हूँ दोस्तों। तो इनको मैं इस तरह से इसमें रख दूंगी, ये जो हमारी ये मिट्टी है इसमें इसको मैं रख दूंगी टोटल पौधों को, ये कई पौधे हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इसको इसमें रख दिया है, एक लेयर मैंने मिट्टी की बिछाई है और सारे बल्ब जो इसके सारे जड़े हैं जो इसमें रहते हैं, ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए, तो इनको हमने इसमें रख दिया है। अब मैं ऊपर से इसको मिट्टी से पूरी तरह से कवर करूंगी, वही वाली मिट्टी जो हमने अभी इसमें यूज करी है, खाद वाली मिट्टी। तो बड़ी मुश्किल है दोस्तों, एक हाथ से बनता नहीं, अंधेरा भी हो रहा है। तो ये देखिए मैं मिट्टी इसमें लेके आई, अब इस सारी मिट्टी को मिट्टी से इसको मैं दबा दूंगी। अब मिट्टी एक हाथ से तो गिरेगी नहीं, अभी देखिए, चलिए बाद में बात करते। तो दोस्तों थोड़ा हल्का अंधेरा हो गया है, वाटर लिली के सारे जड़ को हमने मिट्टी में दबा दिया, पत्ते उसके बाहर तरफ निकले हुए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम एक मोटी सी लेयर रेत की बिछाएंगे, ताकि रेत में बिछाने का कारण ये है कि ताकि हमारी मिट्टी जो है ऊपर ना आए और पानी जो है हमारा गंदा नहीं होगा और मिट्टी हमारी नीचे दबी रहेगी। अभी हम इसमें खाद नहीं डाल रहे दोस्तों, खाद में मतलब खाद वो जो भी रासायनिक खादें जो हैं इसको पोषण देने के लिए, हम डालेंगे बाद में जब ये तो एक मोटी लेयर इसमें हमने डाल दिया, ये देखिए, रेत की, ताकि इसके पानी गंदा ऊपर नहीं होगा, ना ही तो इसमें फंगस वगैरह लगेगा। ये देखिए थोड़ी मोटी लेयर ही हमको डालना है। तो दोस्तों हमको इसमें डायरेक्ट पानी नहीं डालना है, देखिए हमने बर्तन को इसके ऊपर उल्टा कर लिया है और इस बर्तन पे हम पानी डालेंगे जो ये वाटर लिली पे जाएगा। कारण ये है कि अगर हम डायरेक्ट पानी डालेंगे तो ये जो रेत हमने डाली है वो सारी बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए हम किस तरह से इसमें पानी डालेंगे, ये देखिए, ये इसके ऊपर से होके जा रहा है जो बहुत ही आसानी से इसके ऊपर भर रहा। और दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो वाटर लिली है इसमें पानी हमेशा भरा रहे, पानी कम ना हो। अंधेरा हो गया है, बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगी आपको। दोस्तों राम राम। तो कल शाम को मैं कुछ पौधे लेके आई और वो ज़्यादा लेट हो गया तो उनको मैं लगा नहीं पाई, तो कुछ पौधों को मैं अभी लगाऊंगी। जैसे ये पान है, ये मीठी पत्ती पान है, मैंने लगाया हुआ है जो बंगला पत्ती मैंने लगाया हुआ है, ये है मीठी पत्ती। तो दोस्तों पान का महत्व तो सभी समझते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा होता ही है,
मीठी पत्ती पान के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ये खाने में तीखा नहीं होता है। ये देखिए ये है, ये थोड़ा सा मैं एक्चुअली गाड़ी चला रही थी कल एक्टिवा में, और ये मेरा पूरा ये जो है ये क्या बोलते हैं इसको, गमला, ये गाड़ी से नीचे गिर गया और आधा किलोमीटर दूर इतनी स्पीड में थी कि वो पीछे रह गया। तो ये थोड़ा सा, लेकिन ये लग जाएगा, इसमें इसकी जड़ें सुरक्षित हैं तो ये लग जाएगा। तो ये हमारा बना हुआ है, पहले से हमने इसमें खाद मिट्टी करके बहुत सारे कंटेनर हमने बना लिए हैं, बस हमको इसमें कुछ कुछ लगाना है पौधे। तो ये देखिए हम इस पान को लगाएंगे, खाने में ये मीठा होता है, तीखा कम होता है, और बंगला पत्ती जो होता है वो थोड़ा तीखा होता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी च्वाइस होती है। कई लोगों को बंगला पत्ती पसंद होता है और कई लोगों को ये मीठी पत्ती पसंद होता है। पूजा पाठ में तो लगता ही है, और भी बहुत सारी चीज़ों में इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये दो तरह के पान हमने लगा लिए, एक बंगला पत्ती और एक मीठी पत्ती। तो दोस्तों ये है समी का पौधा, मेरे पास था लेकिन सूख गया था, मैं कहीं गई तो पानी नहीं पाया। तो दोस्तों ये भोले बाबा को बहुत पसंद है और ये बहुत शुभ होता है ये पौधा। इसके फूल, इसकी पत्तियां भोले बाबा को चढ़ती हैं और घर के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। तो इस पौधे को आप लोग ज़रूर लगाएं घर में, सुख शांति बनी रहती है। इसको मैं फाड़ लूं। तो इस पौधे को दोस्तों ज़रूर लगाएं, हर पूजा पाठ में इस पौधे की ज़रूरत पड़ती है और घर के लिए बहुत शुभ होता है ये। तो ये इसको हम, अच्छा हुआ दोस्तों मैंने ये सब कंटेनर अपने बहुत अच्छे से भर लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं इनमें सब मुझे ज़रूरत पड़ेगी इनकी। तो ये देखिए इसमें मैंने इसको लगा दिया। इसको थोड़ा बड़ा कंटेनर दें, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा पौधा होता है, ज़्यादा बड़ा भले ना करें, काट छाँट कर दें, लेकिन इसकी ग्रोथ रुके ना, इतना बड़ा पौधा दें। तो ये हमारी एक पेंट की बाल्टी है, अच्छी बड़ी सी है, 20 लीटर की है शायद। तो इसमें अच्छे से ग्रो करेगा ये समी हमारा। तो समी महाराज विराजो आप हमारे घर। तो दोस्तों ये है स्पाइडर प्लांट, जो बहुत ही अच्छा होता है, देखने में भी बहुत अच्छा होता है, और ये इंडोर आउटडोर प्लांट है, आप इसको कहीं भी रखिए, ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसको मुझे लगाना है, इसको लेके आई कल, मैं इसका नाम ही याद नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा टेंशन में थी, भाग दौड़, इसका नाम याद नहीं आ रहा था। दोस्तों इस तरह से इसकी जड़ें ना ऐसे पाइप की तरह होती हैं ये, तो ये इसको लगाइए, देखने में बहुत सुंदर लगता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और बहुत ही रफ पौधा है। आप कहीं भी लगा दीजिए, छोटे कंटेनर में लगाइए, बड़े में लगाइए, ये सब में सर्वाइव कर जाता है। इसको बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं है, और नहीं देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको दोस्तों ज़रूर लगाएं, बहुत खूबसूरत पौधा है, आपका गार्डन भी खूबसूरत लगेगा और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। तो एक हाथ से तो बनेगा नहीं लगाते। दोस्तों ये है स्नेक प्लांट, आउटडोर इनडोर दोनों काम करता है। तो ये एक छोटे पॉट में था, इसकी जड़ें देखिए, तो इसको मैं बड़े पॉट में लगाऊंगी। इसको आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसको आप चाहें तो अपने रूम में भी लगा सकते हैं, और वातावरण बहुत अच्छा रहता है। अगर आप पेट रखे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हर टाइम ऑक्सीजन हमें अवेलेबल कराता है। और आप जो मैंने स्पाइडर प्लांट बताया ना, उसको भी पेट वाले अगर लगाएं तो अच्छा रहता है। तो दोस्तों इसको मैं अलग, मुझे अलग करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं एक हाथ से नहीं कर पाऊंगी, इसको लगाकर फिर बताती हूँ। तो दोस्तों पहले ये एक गमले में था, एकदम ठसा पड़ा था, और इसमें से तीन प्लांट निकले हैं, ये देखिए, एक दो और ये तीन। तो मैंने इनको तीनों को अलग अलग लगा दिया, अब ये तीनों जो है, तीन प्लांट अलग से तैयार होंगे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनको आप चाहे तो टेबल पे भी रख सकते हैं, कहीं भी किचन में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग इसी तरह से हमें सराहते रहिए, हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए और ऑर्गेनिक सब्जियां लगाइए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ अपनी एंजॉय करिए। इस तरह से आप ऑर्गेनिक सब्जियां लगाइए, इस तरह हरा भरा। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने बताया है, आप लोग भी, ठंड की शुरुआत हो चुकी है, बारिश कम हो रही है, तो आप लोग सब्जियां लगाएं। जय हिंद, जय भारत।